बेगूसराय गोलीकांड में एक बड़ा एक्शन हुआ है। सभी चार आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रांची भागने की फिराक में थे ये चारों आरोपी। गोलीबारी में एक शख्स की मौत हुई थी, आपको याद होगा। 30 किलोमीटर तक 47 मिनट तक दो बाइक पर सवार इन चार आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। 10 लोगों पर फायर किया था, जिसमें एक को गोली लगती है और वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अस्पताल में उस शख्स की मौत होती है। उसी के बाद से परिवार न्याय की गुहार लगा रहा था और इस पूरे मामले पर राजनीति भी खूब हुई। राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन पुलिस फौरन हरकत में आती है और उसके बाद से जब इन्हें ढूंढना शुरू होता है, इनकी तलाश शुरू होती है, तो जानकारी मिलती है पहले दो गिरफ्तार होते हैं, फिर दो और की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश देती है, जिसके बाद ये जानकारी मिलती है कि चारों रांची भागने की फिराक में थे, यानी सटे हुए राज्य झारखंड की राजधानी रांची ये भागना चाहते थे, लेकिन इन्हें धर दबोचा गया। तस्वीरें भी इनकी आ चुकी हैं, तो अब ये साफ होगा इनसे पूछताछ में कि आखिर इस गोलीकांड के पीछे की सच्चाई क्या है। क्या ये किसी संगठन या फिर किसी का संरक्षण या सपोर्ट इन्हें मिला हुआ था? तो ये ऐसे सवाल हैं जो इस घटना के बाद से लाजमी तौर पर उभरते हैं, जिनका जवाब अभी बाकी है। लेकिन इस गोलीकांड के जो चारों आरोपी हैं, फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये रांची भागने की फिराक में थे, लेकिन दो दिन बाद पुलिस ने इन्हें आखिरकार पकड़ ही लिया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी इनकी तस्वीरें, जिस तरह से ये फायर करते हुए उत्पात मचा रहे थे बीच सड़क पर। 47 मिनट तक ये बाइक पर कैसे अंधाधुंध फायरिंग करते रहे और इसमें कई लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, वो आम लोग जिन्हें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि अगला निशाना वो हो सकते हैं। और 10 लोगों पर लगभग इन्होंने फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगती है और गंभीर रूप से उसे जब अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो उसकी मौत हो जाती है।